हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मारुति एक्सेल 6 और महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस के बीच कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम साइज से शुरू करते हैं। दोस्तों, लंबाई की बात की जाए तो मारुति एक्सेल 6 का लंबाई 4445 mm है और बोलेरो का लंबाई 3995 mm है। दोस्तों, विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात की जाए तो एक्सेल 6 का चौड़ाई 1775 mm है, बोलेरो पावर प्लस का 1745 mm है। और दोस्तों, ऊंचाई की बात की जाए तो मारुति एक्सेल 6 का ऊंचाई 1700 mm है और बोलेरो पावर प्लस का 1880 mm है। तो दोस्तों, साइज़ के मामले में एक्सेल 6 विनर होता है। तो इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मारुति एक्सेल 6 में आपको K15 BS6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसका मैक्सिमम पावर 77 BHP है और टॉर्क इसका 138 Nm का है और इसका माइलेज 19 कंपनी क्लेम कर रही है। वहीं AMT पे इसका माइलेज 17 क्लेम किया जा रहा है। दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस की बात की जाए तो इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है, जिसका मैक्सिमम पावर 70 BHP है और टॉर्क इसका 195 Nm का है और इसका माइलेज दोस्तों 16.5 कंपनी क्लेम कर रही है। दोस्तों, बोलेरो का और एक वर्सन आता है जो बड़े इंजन के साथ में आता है। इंटीरियर की बात की जाए तो दोस्तों, मारुति अर्टिगा का जो इंटीरियर है दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश बॉडी नज़र आएगा डैशबोर्ड पे और आपको इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सिस्टम भी आपको यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो के इंटीरियर की बात की जाए तो फिलहाल अभी का जो वर्सन है इस तरह का इंटीरियर इसमें आता है, लेकिन दोस्तों अपकमिंग बोलेरो जो आएगा उसका इंटीरियर कुछ इस तरह का होगा और इसमें आपको महिंद्रा TUV 300 के जैसा स्टीयरिंग कंट्रोल आपको नज़र आएगा। और दोस्तों, सेफ्टी की बात की जाए तो अपकमिंग महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस में दोस्तों आपको ABS CVT एयरबैग्स और रिवर्स पार्किंग जैसे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, मारुति सुजुकी XL 6 में आपको ABS CVT एयरबैग्स आपको मिलते हैं, वहीं रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सीटिंग की बात की जाए तो दोस्तों, मारुति XL 6 6 सीटर ऑप्शन के साथ में आता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आता होगा और इसका सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और आप इसमें 6 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस की बात की जाए तो ये 7 सीटर ऑप्शन के साथ आता है और बोलेरो के अलग मॉडल में आपको 9 सीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों, प्राइस की बात की जाए तो बोलेरो पावर प्लस का प्राइस 7.6 लाख रुपये से स्टार्ट होता है, वहीं मारुति एक्सेल 6 का प्राइस 9.8 लाख रुपये से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए लेते हैं मारुति एक्सेल 6 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर आप कमर्शियल के लिए लेते हैं तो महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस आपके लिए बेस्ट होगा।